कोरोना वायरस को लेकर श्रीनगर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम ने ऐसी सभी जगहों को बंद करने के निर्देश दिए हैं जहां पर भीड़ जमा होती है। ये निर्णय कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लिया गया है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जिन स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उन स्कूल और कॉलेजेस को भी 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर को रोज डिसइंफेक्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सलमान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सलमान उर्फ मोमिन ने ही आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा पर कपड़ा डालकर ताहिर हुसैन के घर के अंदर खींचा था और फिर उसे निर्वस्त कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 73 हो चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे दहशत से बचें और सावधानियों को अपनाएं। इसके साथ ही पीएम ने अपने मंत्रियों की भी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है और देशवासियों से भी अपील की है कि वे गैर जरूरी यात्रा न करें। राज्यसभा में आज दिल्ली हिंसा पर हुई बहस में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो वहीं सरकार के सदस्यों ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। सिंधिया समर्थक नेताओं को बेंगलुरु के रिसोर्ट में मनाने पहुंचे कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह के साथ पुलिस की झड़प पर बहस हो गई, जिसके बाद दोनों मंत्रियों को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मची हड़कंप की स्थिति के बीच श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। बाबू जंडेल ने अपने बयान में पीएम मोदी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बीजेपी ने अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी युवा आदिवासी चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें अपने ही तरीके से बधाई दी। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सिंधिया को भाजपा में सुरक्षित रखें। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।